वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं वेज पनीर चीज ग्रिल सैंडविच। याद है क्यों याद है? क्यों याद है बता? तो आज अम्मी बनाने वाले है वेज सैंडविच। और वो क्यों याद है? क्योंकि अभी भी तुमने लेकिन गलत बोले, वो था भाजी टेबल सैंडविच। ये हमने MM में खाए थे बैठ के, याद है ना आपको, भाजी टेबल सैंडविच। हाँ, तो कुछ दिन पहले हम लोग गए थे MM, यानी कि कुछ और काम से गए थे, वहाँ पे बैठ के खाए थे MM का सैंडविच। हाँ, तो ये वही बना रही हूँ मैं आज। हाँ, तो हमने वीडियो भी बनाया था, तो लोगों ने कहा था कि हाँ आंटी सैंडविच की रेसिपी बनाओ। तो आज बनने वाला है MM का वेज चीज पनीर ग्रिल सैंडविच भाजी टेबल वाला। हाँ, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि मम्मी वेज सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम पनीर, चीज, बटर, आलू, शिमला मिर्च, टमाटे, प्याज, ककड़ी, हरी चटनी, केचप, अमूल चीज, ब्रेड, यहाँ लेंगे हम काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड का पैकेट खोल ली हूँ और इसको कटोरे में ढक के इसके लिए रखी हूँ, क्योंकि एसी चालू रहता है ना, तो इसको थोड़ी सी भी हवा लगेगी तो ये सख्त होने लग जाते हैं, तो टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको कभी भी खोलेंगे तो ढक के रखने का। तो अभी हम ले लेंगे पहले ब्रेड। तो मैं यहाँ पे चार ब्रेड ले रही हूँ पहले। अब मैंने तो यहाँ पे जो ब्रेड मिलते हैं घरों पे सबके नजदीक दुकानों में, वही ब्रेड खरीद के लाई हूँ, ठीक है। सैंडविच की दुकान में बड़े बड़े ब्रेड आते हैं, वो मैंने नहीं लाई हूँ। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी ग्रीन चटनी। अब चटनी तो मैं अच्छा भर के लगा रही हूँ, आप लोग जितना तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से लगाना। वैसे ग्रीन किस चीज़ की चटनी में? ये वही है हरी मिर्ची, कोतमीर, लहसुन, जीरा, ठीक है। ये तो नॉर्मल हर घर में बनती है, क्योंकि जो मार्केटों में दुकानों में ना यही तीन चीज़ डाल के चटनी बनाया जाती है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी लगा दी हूँ दो सैंडविच पे। अब हम लगाएंगे इसमें केचप एक तरफ। मजा आ जाएगा तो। देखो केचप आते साथ मेरे बेटे को मजा आ गया, जैसा सेजवान चटनी में मेरे बच्चे को मजा आता ना, वैसा केचप में भी बहुत मजा आता उसको। आज तुमको मजा नहीं आएगा ना, लेकिन कोतमीर नहीं है। नहीं, कोतमीर की चटनी है ना। आज एकदम मजेदार सैंडविच बना रही हूँ मैं MM की, ठीक है। अब देखो सैंडविच तो एक किस्म की नहीं रहती है, बहुत सारे किस्म की रहती है। आप लोग कमेंट्स करना, मैं आप लोगों को एक 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 सैंडविच इंशाल्लाह बताते रहूंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे केचप लगा दी है जितना चाहिए हमको। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम लगा देंगे हमारी ये जो ककड़ी है ना, ये ककड़ी लगा देंगे। खीरी भी इसको ही बोलते हैं हमें? नहीं, खीरी वो आती है ना, वो हरी हरी जो ऊपर रहती है ना, उसको बोलते हैं। इसका छिलटा कैसा है रहता है, हल्का सा येल्लो रहता है, और जो खीरी रहती है ना वो ऊपर से उसकी हरीदार एकदम वो रहती है, लेकिन वो बहुत ठंडा रहता। तुम एक बार खा लोगे ना खांसी लग जाएगी, मगरमच्छ जैसा। हाँ, नहीं, उसमें खांसी बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि उसमें ना सर्दी बहुत ज्यादा पकड़ती है, ठंडा रहता है वो बहुत ज्यादा। ये सैंडविच लोग अपने टिफिन में भी लेके जा सकते हैं। हाँ, हमने इससे पहले भी डाले थे शायद, ये अलग से सैंडविच वाली टिफिन वाली है ना। यहाँ मैं लगा दे रही हूँ प्याज, थोड़ा कम लगा रही हूँ, एकदम ज्यादा प्याज हमको नहीं चाहिए। वैसे कौन सा सैंडविच बना रहे? वेज पनीर चीज ग्रिल। भाजी टेबल। हाँ, भाजी टेबल, ये भूल गई थी। अब लगाएंगे हम इसमें पनीर। ये है पनीर जो कि मैंने काट लिया। मैं दिखाओ किस तरीके से काटे। ये मैंने पूरे इस तरीके से काट के रखे, पतले स्लाइस कर लिए। ये पूरा मैंने अखा पैकेट लाई थी, ठीक है। तो ये हम सेम वही फॉर्मेट में बना रहे जो फॉर्मेट में खाए थे, ठीक है, एकदम सेम मैं वैसा ही बना रही हूँ, और कुछ नहीं। अब हम रखेंगे इस पे शिमला मिर्ची थोड़ी। मैं सब वेजेस है ना थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता ना, फिर वो खाने में टेस्ट नहीं आता एकदम, इसके लिए। अब हमने लगा दिए ये। अब लगाएंगे हम इसमें टमाटर। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आंटी, टमाटर। अभी आदत हो गई है ना बोल के टमाटर। नहीं, टमाटे बोलते तुम। फिर भी मैं टमाटर थोड़ा
ज्यादा लगा रही हूँ। अब ये हो गया हमारा, अब क्या बचा है, अब बचे हैं हमारे आलू। तो अब मैंने आलू रख दी इस पे, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। ये काला नमक का टेस्ट अलग आता है, ये चाट के लिए इस्तेमाल होता है बाहर की चीज़ों में। अब हम इसमें डाल देंगे, साइड में भी डालेंगे थोड़ा सा। और इसको मिर्ची डालना हो, मिर्ची भी डाल सकते हैं ना मैं? हाँ, अपनी अपनी मर्जी। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, इससे ज़रा चटपटा लगेगा, है ना? नहीं तो क्या है ना, आलू फीके फीके लगेंगे। इसके लिए मैंने आलू एकदम लास्ट में डाली, ताकि इसमें आलू को मसाला अच्छे से थोड़ा सा लग जाए। चाट मसाला मैं अच्छे से डाल रही हूँ, ठीक है? तो अब इसमें हम डालेंगे काली मिरी, ठीक है? मस्त एकदम चटपटा सैंडविच बनेगा। ये ब्रेड पे शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं मम्मी। इसको हर चीज में शेजवान चटनी चाहिए। अब डालेंगे हम यहाँ पे चीज स्लाइस, वहाँ पे भी था चीज ऐसा ही। ये हम डाल देंगे एक अखा इस तरीके से। अब हम इस पे भी चीज लगा देंगे, ठीक है? अब इस पे हम ये हमारा केचप वाला इस तरीके से ढक देंगे। अब क्या बाकी है? अब इसको ग्रिल करना बाकी है। चलो अभी तवा गरम करते हैं। तो चलो, हम सैंडविच को ग्रिल करने के लिए यहाँ पे तवा रख दिए हैं, ठीक है? अब ग्रिल सबके पास तो नहीं होता ना, वो टोस्टर। हाँ, तो इसलिए हम तवे पे बताएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इधर थोड़ा सा मस्का लगा लूँगी, बस काफ़ी है इतना मस्का। अभी हम आराम से इसको उठाएंगे और इसको रख देंगे हमारे बटर पे। अब 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलटी कर देंगे। अच्छा, ये कैसा पता चलेगा कि अभी नीचे का पक गया क्या नहीं? तो इस तरीके से पता चलता है, मीठी मीठी खुशबू आने लग जाती है। जब ये सीख जाएगा ना, तो बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब हम इसमें भी थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। तो चलो, 2 मिनट हो गए हैं, क्रंची क्रंची सैंडविच मेरा तैयार हो गया ना, है क्या नहीं? मस्के की खुशबू कितनी मस्त आ रही है ना, बिंदास। हाँ, तो अभी हम दूसरा भी फ्राई कर लेते हैं, ठीक है? मक्खन जितना ब्रेड को लग सके उतना लगा लेना, ठीक है? अब मैं इसको भी आराम से रख दूंगी इस पे, है ना? तो यहाँ पे भी मैंने 2 से 3 मिनट तक पका ली हूँ। सैंडविच मेरा माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गैस करेंगे बंद, इसको भी निकाल लेंगे यहाँ। वाव, मस्त खुशबू आ रही है। अब देखो, इस पे मैं ना हल्का हल्का सा मस्का लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। रेडी नहीं होना ये? नहीं नहीं, अभी कहाँ रेडी हुआ, अभी इस पे जाएगा और चीज जाएगा थोड़ा। अब हम इस पे डालेंगे हमारा ये जो बीटरूट लिए है ना, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, ठीक है? लेकिन हमारे सैंडविच में आया था भाई, आया था ना रियाज? नहीं, एमएम के सैंडविच में आया था। तो हमारा ही था ना वो। हाँ, लेकिन ऐसा ही था, कुछ मिलता जुलता, लेकिन वो बड़ा सैंडविच था। हाँ, बड़ा सैंडविच था, लेकिन ये अभी हमारा छोटा साइज सैंडविच है। हाँ। वो एक सैंडविच में हम लोग दोनों भी खा के भी बस हो गया था। तो बीटरूट डाल के हो गया मेरा। अब हम डालेंगे इस पे चीज, ऐसा ही कुछ चीज आया था ना रियाज? हाँ। मेरे को बोला था घर में बना के खिलाएंगे, मैं बोली हाँ सेम बना के खिलाऊंगी, तू टेंशन मत ले। तो यहाँ पर मेरी सैंडविच रेडी हो गई है, ठीक है? अब मैंने मेरे हिसाब से बनाई हूँ, क्योंकि हमको ऐसे ही मिला था एमएम में खाने के लिए। अब आप जरूरी नहीं है कि यही डाल के बनाइए, आप अपने हिसाब से बनाइए, जो कुछ आपको डालना है डालिए, जो इसमें से हटाना है वो हटा भी सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, तैयार हो गया है एमएम का भाजी टेबल सैंडविच।
ये देखो कौन सा सैंडविच है ये? बाजी टेबल। अरे नहीं वो तो मस्ती कर रहा हूँ मैं, रियल नेम क्या है इसका? इसका रियल नेम है वेज पनीर चीज ग्रिल सैंडविच। वाह, वेज चीज पनीर ग्रिल सैंडविच, इतना लंबा नाम है बाप रे बाप। लेकिन सही में ये भाई ये जो हमने नाम लिए वो हर चीज इसमें है, वेज है, चीज है, पनीर है और ये ग्रिल हुआ हुआ है। हाँ। और आप तो देख सकते हो चीज इसमें मैंने कितना घस घस के भर भर के डाले है। हाँ, इसमें बीफ साथ में जैसे कि हाँ साथ में जैसे कि सैंडविच के साथ ये दो एक चटनी और एक टमाटो केचप रहता है जो कि इसकी जान होती है एक्चुअल में, मजा आती है। यानी कि जिसको चटनी के साथ खाना पसंद है वो चटनी के साथ खाते हैं, जिसको केचप के साथ वो केचप के साथ। तो बताओ किसके साथ खाइए? चटनी। ओए होए कैसा लग रहा है, अपन ने एमएम में खाए थे और आज अपन अपने घर में खा रहे हो। भरे हुआ है ना, अपने घर का अलग ही बात रहता है। हाँ, जितना मन चाहे भर के डालो और जो पसंद है आपको वो डालो। मस्त लग रहा है सही में, एकदम हैवी है, इतना सी हैवी है। एक सैंडविच में ही पेट भर जाएगा। हाँ, ये आपको मैं पक्का बोल रही हूँ। कैसा लगा? लो मैं बिस्मिल्लाह। देखो अभी अम्मी को तो पसंद था ग्रीन चटनी, तो मैंने ग्रीन चटनी के साथ खाया और मैं खाऊंगा टमाटो केचप के साथ, क्योंकि अपने को टमाटो केचप। हाँ हाँ, आप बोल रहे एमएम का सैंडविच कैसा था, ये कैसा था बता खा के मुझे। सच्ची बोलूंगा ना, एमएम का सैंडविच खाते हम लोग 4 तारीख को ना, 4 तारीख को, और आज है 22-23, तो मेरे को टेस्ट याद नहीं है एमएम का, लेकिन ये बहुत ही मस्त बना है। मैंने खाई थी ज्यादा, इसने क्या कहा था 2 बाइट। हाँ, और ये ना साइड में रख दिया था, बोला था अम्मी मेरी तबीयत अच्छी नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा। सही में यार देखो ना, लेकिन मैंने खाई थी मुझे पूरा टेस्ट। और इसका एक तरीका मैंने अच्छा बताया, ग्रिल करने का तवे पे रख के, आपको बोलते ना कि जो भी ग्रिल करने का सामान है उसकी जरूरत नहीं पड़े विदाउट ना, मतलब विदाउट बनता है ग्रिलर। हम घरेलू इंसान है, हमको ग्रिल, देखो मेरे पास ग्रिल था घर में, मैंने एक बनाई भी हूँ देख रहे आप लोग, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बनाना बताया। मैंने वो ग्रिल में बनाया, लेकिन क्या नाम बोले जरूरी समझिए, के बाद थोड़ी ग्रिल रहेगा। हाँ। और इसमें जो पनीर है ना, पनीर एकदम मस्त लग रहा है, एकदम मस्त वाला बन गया है, दिल खुश हो जाएगा एक सैंडविच खा के, ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं, एक में ही पेट भर जाएगा। मस्त ना, बिस्मिल्लाह। देखिए ये आपके लिए, सैंडविच में इसीलिए नहीं खाता, ऐसा गिरता रहता टमाटर काजू बादाम ककड़ी, काजू बादाम का रहेगा ककड़ी टमाटर, तो इसके लिए ना टिश्यू होना बहुत जरूरी है। हर चीज का फ्लेवर आ रहा कि नहीं? मस्त है, बहुत मस्त रहा। हर चीज का फ्लेवर अलग आ रहा है, बटर से जो हमने ब्रेड को फ्राई करे उसका भी फ्लेवर अलग से आ रहा है, बहुत मस्त बना। पनीर चीज इसमें डाली हूँ, ऊपर से भी चीज डाली हूँ, और वेजिटेबल्स तो आप लोग को बताई हूँ, आलू ककड़ी शिमला मिर्ची प्याज टमाटे, नॉर्मल जो सैंडविच की ओरिजिनल सब्जी होती है। अम्मी ने ना सेम टू सेम एज इट इज जैसा था ना सेम वैसे ही बनाया, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स डाले और टेस्ट भी सेम वैसे ही आ रहा है, बहुत मजे का। तो भाई जो कोई भी देखो एमएम में ना बहुत सारी यार, बहुत सारी डिश है, बहुत सारी रेसिपी है ना, अम्मी क्या क्या नहीं रहता है एमएम में, हर चीज रहता है एमएम का, वड़ा पाव एमएम के सैंडविच पानी पूरी मेंदू वड़ा हर चीज। तो सैंडविच में भी ना बहुत सारी वैरायटीज है, अगर जिसने ये सैंडविच खाया होगा और ये सेम रेसिपी बना के अपने घर पे खाएगा तो मजा उतना ही आएगा। मस्त लग रहा है, आपने खत्म भी कर दिया बोलो, बहुत मजेगा। हाय हाय, ये लास्ट बाइट आपके नाम, एकदम चीज भर के है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग मेरा देखते इसी तरीके से बनाना, या फिर इसी तरीके से नहीं भी बनाना तो आप अपने तरीके से बनाना, लेकिन ट्राई ऐसा ही करना, नहीं मेरा तरीका फॉलो करके ये पनीर और चीज जरूर रखना, भाजी में आपको भाजी टेबल जो आपको डालने उसमें डालिए। हाँ, और मुझे जरूर बताना ये सैंडविच कैसा बना, क्योंकि ना ये एकदम मैं भी हमेशा बनाती हूँ सैंडविच, लेकिन थोड़ा सा 19-20 रहता है हमेशा, लेकिन ये सैंडविच मैंने एकदम उसी तरीके से बनाई मैंने जिस तरीके से मैंने खा किया है। ठीक है, तो आप तो कहाँ बताएंगे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, चलते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे चैनल को नहीं हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ आपको और कौन सी डिश देखनी है, और भी बहुत सारे सैंडविच आते हैं तो कमेंट जरूर करना, जैसे कि नूडल सैंडविच ये कुछ अलग होगा, बहुत सारे सैंडविच है माशाल्लाह, बहुत सारे सैंडविच है अलग अलग बनते हैं। तो चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।